मैंने प्यार किया एक्ट्रेस भाग्यश्री स्पीक्स ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एट आभा सिंह बुक लॉन्च 3 दशा और दशा। हैव अ लुक एट हर इंटरव्यू। मैम आज आभा जी का वापस से रीलॉन्च हुआ है, पहले भी आप लॉन्च में आ चुके थे, वापस से वो उर्दू एडिशन में हुआ क्या है जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत ही बात कर रहे हैं, उसके बारे में पहले तो आपके बारे में जानना, आपकी राय। जी सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि औरत चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, औरत औरत होती है और हर औरत के ख्वाब होते हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं, पूरे करना चाहते हैं। और हमारा देश ऐसा है जहाँ पर हर संस्कृति के लोग एक साथ में खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। जब ये चीज़ है तब एक औरत और एक मर्द में फ़र्क क्यों? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश ये अलाउ करता है, ये हमें राइट देता है कि हर किसी को ये हक है खुशहाल ज़िंदगी जीने का। तो जो नूरजहाँ ने कहा कि एक ट्रिपल तलाक देने से एक औरत की ज़िंदगी बेजार सी हो जाती है बस कुछ पलों में, दैट इज़ अ वेरी वेरी स्कैरी थॉट फॉर एनी वुमेन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वुमेन हैव टू बी एम्पावर्ड या एम्पावरमेंट होना चाहिए, द मूवमेंट इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर, वुमेन आर गेटिंग एजुकेटेड, लेकिन बहुत कम मात्रा औरतें हैं जो एजुकेटेड भी हैं और जो कमा रही हैं, जो खुद अपने पैरों पर खड़ी है, जो अपना घर चला सकती है। बहुत सारे औरतें और हमारी सोसाइटी अभी भी वैसी ही है जहाँ पर औरतों को अपना फैमिली, अपने शौहर का सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है जीने के लिए, एक खुद के सर्वाइवल के लिए, अपने बच्चों के सर्वाइवल के लिए। जब ये हाल है और उस औरत को ट्रिपल तलाक मतलब एक सेकंड के अंदर आदमी घर से बेघर कर देता है तो उस औरत की ज़िंदगी जैसे एकदम ही दुश्वार हो जाती है। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दोज वुमेन नॉट टू फील लाइक दैट एंड आर नेशन, आर कंट्री हैज़ टू डेवलप लॉज टू गिव देम दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट और सिक्योरिटी जहाँ पर उनको कभी भी ये नहीं डर लगना चाहिए कि एक मिनट में हमारा पूरा घर उथल फुथल हो जाए या हमारी ज़िंदगी उथल फुथल हो जाए। ये डर कभी किसी औरत को नहीं होना चाहिए। सो दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उर्दू मीडियम का मेन एक मुद्दा था कि ट्रिपल तलाक को जो इशू वो रेस कर रहा है जी। और यहाँ पर दो मुद्दों दो बढ़ गए हैं, कोई हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन भी इस पे कहा गया है, राज्यसभा में ये पास होने जा रहा जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आई फील कि रिलीजन इज समथिंग दैट यू प्रैक्टिस विद इन योर होम। इट्स अबाउट गॉड, इट्स अबाउट सर्टन ट्रेडिशंस, इट्स नॉट अबाउट द वे ऑफ लाइफ। द वे ऑफ लाइफ इज वॉट द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू इन द कंट्री दैट यू आर लिविंग इन। सो इट हैज टू बी वन लॉ दैट गोज फॉर ऑल। आई ट्रूली बिलीव इन दैट। सो वेदर इट इज़ अ हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैन, बुद्ध, everyone, because our country is secular and it has got a diversity of so many religions, har koi apna apne mazhab ke hisab se apne bhagwan ke sath prarthna kar sakta hai, apni zindagi khane peene ke taur tareeke apna sakta hai, that all is fine, but when we are talking about living in a society, the society has to be one. You cannot have that differentiation because you are of a different mazhab. That's what I personally feel. एंड जहाँ हम ट्रिपल तलाक की बात करते, उनके मजहब के देश भी जैसे ऑलमोस्ट अबाउट 20 नेशंस हैव बैंड ट्रिपल तलाक, सो विच इज़ इंक्लूडिंग सऊदीया, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। सो इट्स नॉट समथिंग जो मजहब से जुड़ा हुआ है। दीज आर वेज ऑफ लाइफ दैट आर मेड बाई मैन फॉर मैन, मैन इन द सेंस सोसाइटी। So that the societal laws have to be governed by the country that you are staying in, by the country's laws, by the country's constitution. That is the most important thing. Pakistan mein Indian TV content ko ban kiya gaya hai, unka ye kehna hai ki hamari culture pe effect padta hai. Actually मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं खुद टीवी बहुत कम देखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि
टी वी से बेहतर किताबें हैं, इसलिए यहाँ आती हूँ. सो मोर देन अ कंट्री बैनिंग ईच अदर्स टेलीविजन कंटेंट, मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टीवी देखने की मात्रा ही कम की जाए, ताकि बच्चे ज़रा खुश हवा में खेले कूदे. दे बिकम्स मोर स्पोर्ट्स पीपल, देयर हेल्थ इम्प्रूव्स. आज ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि सबकी हेल्थ डाउन जा रही है, तो हेल्थ बनाने के लिए टीवी यूं ही कम कर दीजिए. अभी मैं निकलती हूँ, थैंक यू सो मच. रिपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट एंड वर्ल्ड.